10th कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे, आज आपको चलेगा अगला अध्याय बहुपद पॉलीनोमियल, इसका पार्ट वन आज शुरू होगा। आप बहुपद नीचे के क्लास में अर्थात कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ऋणोत्तर का मतलब ऋण के अतिरिक्त अर्थात जीरो और धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद आपको बताया गया होगा तीन प्रकार का होता है, घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद लाइनियर इक्वेशन, लाइनियर पॉलीनोमियल इक्वेशन है पॉलीनोमियल। ये पहला है लाइनियर पॉलीनोमियल रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का मतलब आप जानते होंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक, इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है, ये आपका रैखिक बहुपद है। इसमें a और b ये वास्तविक संख्याएं हैं और x इसका चर है, तो चर का अधिकतम घात एक, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b ये आपका रैखिक बहुपद है। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कोऑर्डिनेटिक, कोऑर्डिनेटिक पॉलीनोमियल। कोऑर्डिनेटिक पॉलीनोमियल दूसरा है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो है, द्विघात, द्विघात का मतलब दो घात, चर की जब अधिकतम घात दो होगा तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इस रूप का द्विघात बहुपद होता है। तीसरा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलीनोमियल, CUBIC क्यूबिक पॉलीनोमियल। त्रिघात, त्रि का मतलब तीन घात, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ये त्रिघात बहुपद है। तो ये बहुपद के प्रकार हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। इस तरह से अगर चार घात है तो चतुर्थ घातीय बहुपद आप कह सकते हैं। दूसरा है इसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जब हम बहुपद चाहे रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, इसके शून्यकों की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं तो वह जो शून्यकों की सहायता से
जो ग्राफ बनेगा वह कैसा ग्राफ बनता है, जैसे रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, यही सुडोकु का ज्यामिति अर्थ कहलाता है। जैसे अगर रैखिक बहुपद का हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचे तो वह एक सरल रेखा होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा। कोई भी हम रैखिक बहुपद, आपको ये पता भी होगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ या किसी भी बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए हम एक साड़ी तैयार करते हैं और एक्स के विभिन्न मान लेकर के उससे हम दूसरा मान ज्ञात करते हैं वाई एच के सापेक्ष, और उससे हम ग्राफ खींचते हैं दो बिंदु प्राप्त करके। तो उससे जो ग्राफ बनेगा वह कैसा ग्राफ होता है, तो अगर रैखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होती है, यानी अगर हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचे तो वह क्या होगी, सरल रेखा होगी। तो अर्थात वह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर। या तो एक्स अक्ष को जब एक बिंदु पर काटेगा तो एक शून्यक प्राप्त होगा। अगर रैखिक बहुपद का ग्राफ अगर सरल रेखा बन रहा है ऐसे और एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो इसके शून्यक जो है जीरो होगा, यानी कोई शून्यक प्राप्त नहीं होगा। यानी जो ग्राफ आप खींचेंगे तो अगर एक्स अक्ष को ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है तो एक शून्यक होगा, वह रैखिक शून्य कहलाता है। और रैखिक शून्य का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है। अगर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो एक भी शून्यक नहीं होगा, यानी वह ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने शून्यक प्राप्त होते हैं। अब द्विघात बहुपद का ग्राफ जब हम खींचेंगे, द्विघात बहुपद का ग्राफ, तो वह एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है और इसका जो ग्राफ बनता है वह एक परवलय के आकार का होता है, परवलय आकार। रैखिक द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, परवलय आकार, परवलय का पैराबोला, यानी इस रूप का होता है। तो ये इस तरह से जब ग्राफ बनेगा तो वह द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा और यह द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को अधिकतम दो बिंदुओं पर काटता है। कितने बिंदुओं पर, अधिकतम दो बिंदुओं पर काटता है और कम से कम जीरो हो सकता है, एक हो सकता है और अधिकतम दो हो सकता है। इसलिए द्विघात बहुपद के जो शून्यक है अधिकतम दो शून्यक प्राप्त होते हैं, न्यूनतम जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। उसी तरह से रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक प्राप्त होता है और उससे कम जीरो इसमें भी हो सकता है। अब तीसरा आपका है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का ग्राफ, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक तीन होते हैं। अधिकतम शून्य कितने होते हैं, तीन होते हैं त्रिघात बहुपद के। तो अर्थात ये एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटेगा, तीन बिंदुओं पर काटेगा एक्स अक्ष को। तो इस तरह से ये जो ग्राफ बनेंगे, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलयाकार होता है और त्रिघात बहुपद का ग्राफ इस प्रकार का होता है। अब शून्यक, तो लाइनियर पॉलीनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा अधिकतम एक होता है और द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक दो होते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक तीन होते हैं। इसी तरह से अगर चतुर्थ घात है तो उसके अधिकतम शून्यक चार होंगे। तो इस तरह से आपका ये ज्यामिति शून्यकों की सहायता से
ज्यामिति निरूपण जब हम करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनता है। अब आइए प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 2.1 में किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px का मतलब चर x में बहुपद, बहुपद को लिखने के लिए px py ऐसे आप ये संकेत होता है। अगर चर राशि x का है तो py, चर राशि y का बहुपद है तो py, इस तरह से लिखा जाता है। ये बहुपद का संकेत होता है। तो इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रश्नावली में ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ को देख करके बताना है कि इस ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। जैसे पहला दिया है फिगर में, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस फिगर को हम बना दे रहे हैं। चलिए, ये आपके किताब में दिया हुआ है ग्राफ पेपर, सभी लड़के ध्यान देंगे। पहले चित्र में आइए, देखा जाए ये ग्राफ जो बना है, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर काट नहीं रहा है। अतः इसके जो शून्यक होंगे
एक भी शून्यक नहीं होंगे, अर्थात इसके शून्यक अगर लिखना तो शून्य लिखा जाएगा। फिगर दू पर आइए, यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर, अतः शून्यक एक होगा, कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक। अब तीसरी कंडीशन पर आइए, यह जो ग्राफ है यक्ष अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदुओं पर काट रहा है ग्राफ, तो ये कितने शून्यक हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। अब चौथी कंडीशन में आइए, चौथे में यह ग्राफ यक्ष अक्ष को एक दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए कितने शून्यक हो गए, दो। पांचवी स्थिति में यह ग्राफ यक्ष अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए पांचवे में कितने शून्यक होंगे, चार शून्यक होंगे। छठी स्थिति में आइए, छठवे में एक दो तीन, तीन जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तीन जगह स्पर्श कर रहा है, तो तीन शून्यक हो जाएंगे, कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे, एक दो तीन। तो इस तरह से आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा उसमें कितने शून्यक होंगे, बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो पहले में एक भी शून्यक नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ है यक्ष अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए एक भी शून्यक नहीं होंगे। दूसरे कंडीशन में यह ग्राफ यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए एक शून्यक होंगे। तीसरे में यक्ष अक्ष को एक दो तीन बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए तीन शून्यक। चौथे कंडीशन में एक दो जगह काट रहा है, इसलिए दो शून्यक। पांचवे में एक दो तीन चार शून्यक होंगे, और छठे में एक दो तीन शून्यक। तो सभी बच्चे, आज आप प्रश्नावली 2.1 पॉलीनोमियल का जाकर के सभी लोग अपने बुक में प्रश्नावली नोट करके 2.1 हल कर लेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले टर्म चलेगा।